Good morning, children. Dear, yesterday we have seen what did Chetan Das use in building his new house, and today we will discuss on the question answers of the chapter, and again we will focus on the new part also. See, these are the questions. The people who used the toilets did not clean them. Discuss. And the answer is, people who use the toilet do not clean because they think it is a dirty job. Next question. Is there a toilet in your house? Who cleans it? And the answer is yes. It is cleaned by the toilet cleaner. Now see the another topic. More changes. Now again, Chetan Das is telling about himself. My two sons and a daughter were born in that house. Time passed. The children completed their studies. 15 years ago, our daughter Simi got married and moved to Palwal. When Raju was to get married, we felt that we should get the house ready for the new bride. Now, what he is telling? कि जब उनकी डॉटर की मैरिज हुई थी तो वो कहाँ चली गई? न्यू प्लेस पर चली गई, पालवल में. ओके, नाउ व्हाट दे वर थिंकिंग? कि उनके बेटे की शादी से पहले उनको एक न्यू हाउस लेना था ताकि जो भी ब्राइड आए वो उस न्यू घर में ही आए. बाय देन एवरीवन वाज यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स. वी आल्सो यूज्ड देम फॉर द वॉल्स एंड पुट अ लिंटल for the roof. Children, what is meant by lintel? Lintel means एक horizontal support होता है dear, जो stone से, concrete से या steel से बना हुआ होता है. उसको door के ऊपर या window के ऊपर cross structure में रखा जाता है. Dear, I will share a photo of lintel with you. Okay? We used marble chips and cement for a strong and fancy floor. उन्होंने फ्लोरिंग काय का यूज किया? सीमेंट और मार्बल चिप्स का. और जब चेतन दास छोटे थे तब उनके घर का फ्लोरिंग काय का था? मड का और क्ले का. सी द चेंज. इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट. और उन्होंने टॉयलेट्स में क्या किया? पाइप्स यूज किए जो भी वेस्ट मटेरियल है पास आउट होने के लिए. ओके, और अर्लियर क्या था? पर्सन आते थे, बस्ती में से पर्सन आते थे और वो उस वेस्ट को क्लीन करते थे. अगेन द चेंज. द किचन वॉज मेड बिगर. अब इनका किचन भी बिगर था पहले से. नाउ राजूज वाइफ डज नॉट यूज द क्ले चूल्हा. हाँ, अब चेतन दास की वाइफ ने क्या यूज किया हुआ था? मिट्टी का चूल्हा, क्ले का. ओके, बट अब राजू की वाइफ क्या करती थी? क्ले का चूल्हा नहीं यूज करती थी. शी स्टैंड्स व्हाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टोव. वो जब कुक करते थे तो वो स्टैंडिंग वाला किचन यूज करते थे, जैसे जनरली अभी आपकी मम्मा यूज करती है ना, स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म. कुकिंग के वक्त गैस स्टोव पर रखा हुआ होता है, तो सेम राजू की वाइफ भी यूज करती थी. सीइंग न्यू थिंग. My younger son Montu moved to Delhi when he got a job there. अब उनका जो छोटा बेटा था Montu, वो दिल्ली चला गया because he got a job. Now he stays there with his family. अब वो अपनी फैमिली के साथ में वही रहता है. Suman and I stay with Montu for some months in a year. And what Chetan Das is telling? He used to stay with his wife with Montu for few months in a year and with Raju in Sohna for the rest of the time. वो अपने दोनों बेटों के साथ में बराबर टाइम स्पेंड करते थे, कुछ मंथ्स मोंटू के साथ में और बाकी बचा हुआ समय राजू के साथ में जो सोहना में था. On the way to Delhi from Sohna, we go through Gurugram. So many big high-rise buildings have come up there. See the picture. Okay. अब वो क्या बोल रहे हैं कि जब वो दिल्ली से सोहना
ये डिस्टेंस को ट्रेवल करते थे तो उनको रास्ते में गुरुग्राम एक प्लेस लगता था। वहां पर सारी जितने भी बिल्डिंग्स थी, हाई राइज बिल्डिंग्स थी, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस हो गए थे वहां पर और बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स क्रिएट हो गए थे। अ फ्यू इयर्स अगो राजू रिनोवेटेड द टॉयलेट एंड द बाथरूम। ही यूज्ड कलर टाइल्स इन हिज बाथरूम। इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव अ बाथ। अब वो क्या बोल रहे हैं कि कुछ समय पहले ही राजू ने अपने घर को रिनोवेट किया, स्पेशली टॉयलेट और बाथरूम को, और उसने बाथरूम में कलर टाइल्स यूज करे। अब वो बोल रहे हैं कि इमेजिन करो कि इतना सारा पैसा स्पेंड करना सिर्फ एक बाथरूम जैसी प्लेस के लिए। आई एम नाउ 70 years old। In all these years, I have seen so many changes. Even in my own house, I don't know where my grandchildren will want to live and how their house will be. अब वो बोल रहे कि अभी तो मैं 70 years का हूँ और इन सारे years में मैंने इतने सारे changes देखे हैं घर में, अपने खुद के भी घर में। अब मुझे ये पता नहीं है कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन इस घर में रहेंगे या नहीं रहेंगे या उनका अपना घर कैसा होगा। आई वंडर दैट द हाउसेस आर लाइक इन डेरा गाजी खान टुडे। अब ये डेरा गाजी खान के हाउसेस देखकर तो वो अमेज्ड हो गए, सरप्राइज हो गए। एंड व्हाट अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स, वेयर विल दे बी। और अब वो सोच रहे हैं कि मेरे फ्रेंड्स कहाँ हैं, कहाँ होंगे वो, उनके बारे में क्या। सो वी विल डिस्कस ऑन ऑल दिस टॉपिक्स इन आवर नेक्स्ट पीरियड। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।